हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए, आज का जो सेक्शन है वो पूरी तरह से संविधान सभा पर आधारित होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्रकार बनी, कहाँ सबसे पहली बार मांग हुई और किस तरह से जो है ना क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया और फिर भारत को कैसे डोमिनियन और भारत पाकिस्तान को किस तरह से मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और इस तरह से चलते चलते फाइनली जो है भारत के अंदर एक पूरे संविधान का निर्माण हुआ। तो उनमें कौन कौन से लोग थे, इन सब के बारे में आज पूरी चर्चा करनी है। पिछले तीन लेक्चर्स जो हैं इसमें संविधान सभा को बनाने के लिए जो मेन जो मूल भाव था, जिस्ट था, तो वो कहाँ से आया है। तो जब से दीवानी राइट्स जो है अंग्रेजों को मिले 1765 में, उसके बाद से रेगुलेटिंग एक्ट आया और लगातार एक्ट आते चले गए। चार्टर एक्ट आए, काउंसिल एक्ट आए और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और 1935 का एक्ट आया, 1947 में भारत को स्वतंत्रता दी गई। तो इन सभी का भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट किया और फाइनली भारत का एक संविधान का निर्माण किया। लास्ट लेक्चर जो है उसमें मैंने जो बात की थी आपसे, तो वो आपको याद आ रहा होगा, हम लोग लक्ष्मीकांत बुक को कवर कर रहे थे। तो देखिए, जिसको इंग्लिश में कंटेंट समझ में नहीं आ रहा तो नोट्स के रूप में वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी बात जो है वो मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जो है हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कैबिनेट मिशन जो 1947 में बनना शुरू हो गया था। तो उस समय अंतरिम मंत्रिमंडल, अंतरिम का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, इंटरिम जो कैबिनेट है पोर्टफोलियो दिए गए। तो अब देखिए एक बात आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोर्टफोलियो है उसे अंतरिम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार आपने सुना होगा कि एक इंटरिम बजट आता है। इंटरिम बजट कब आता है, जब जो है जिस साल चुनाव होने होते तो 2-3-4 महीने का, तो यदि कोई टेम्परेरी चीज होती है तो उसके लिए इंटरिम बजट आता है। तो इंटरिम का मतलब है कि जब तक जो है संविधान सभा पूरी बनके और जब तक मंत्रिमंडल फाइनली जो है डिक्लेयर नहीं हो जाएंगे, तब तक ये कुछ टेम्परेरी व्यक्ति जो है इस विभाग को ये लोग सब संभालेंगे। तो ये उद्देश्य था इसका। तो आपको ये बात क्लियर हो गई है। अब देखिए, ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर ली थी कि जवाहरलाल नेहरू को जो है परिषद उपाध्यक्ष बनाया था, फॉरेन जितने भी मामले हैं और कॉमनवेल्थ जो भी राष्ट्रमंडल वाले जो भी थे उन सभी के लिए इसको जिम्मेदारी दी थी जवाहरलाल नेहरू जी को, जो है इन सब की जवाबदारी दी गई थी। अब देखिए, इसके बाद में मैंने ये सब आपको पिछले लेक्चर में भी चर्चा कर ली है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा, है ना, जॉन मथाई साहब को, है ना, उद्योग और आपूर्ति के लिए जॉन मथाई, और सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन के बारे में जो है ना एजुकेशन का क्षेत्र दिया गया था। सी एच भाभा को कार्य, खान और, है ना, बंदरगाह। आपने सुना होगा जो लेबर मंत्री जो है वो हमारे जगजीवन राम थे। कई बार क्वेश्चन आता है जगजीवन राम। तो देखो, जितने भी इंटरिम गवर्नमेंट में जो भी ये पद दिया गया था उन सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो जो थे, जो हमारे प्रेसिडेंट बने, उन्हें खाद्य और कृषि विभाग दिया गया, और आसफ अली को जो है वो रेलवे मंत्रालय दिया गया। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि लियाकत अली खान को कौन सा पद दिया गया था इंटरिम गवर्नमेंट में, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी आया हुआ है, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, मंत्रिमंडल जो है फाइनली चुन लिए जाते हैं, है ना, जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य। तो देखिए, वित्त मंत्रालय किसको दिया गया है, लियाकत अली खान को। तो मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के, तो ये मुस्लिम लीग के नेता है, क्योंकि शुरुआत में इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी थी उस समय मुस्लिम लीग भी जो है उसके मेंबर्स भी भारत के इस जो टेम्परेरी पोर्टफोलियो है डिपार्टमेंट के जो हेड है उनको बनाया गया था, टेम्परेरी रूप से बनाया गया था। तो ये बात आपको एकदम क्लियर है ना। और हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ लिया है। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो मेरे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर मैंने नंबर और सभी प्रकार की जानकारी दी है। आप मुझसे वहाँ से व्हाट्सएप पे किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का प्रश्न। यदि आपको लगता है कि कोई लेक्चर पहले बनाना है और आपको आवश्यकता है कि सर ये वाला लेक्चर पहले बना दीजिए
और यदि कोई सीरीज चालू करनी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, तो उससे भी मैं जो है प्लेलिस्ट के तौर पर तैयार करके आपको बना दूंगा उसके भी, है ना। तो जो है 1947 का जो अधिनियम है ना वो हमने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो ये सभी बातें आप हिंदी में पढ़ लीजिए। आज से जो है मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कोऑर्डिनेट करता हुआ चलूंगा, ताकि क्या होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, है ना। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए जो जो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग वापस से आते हैं, है ना, हम लोग वापस से यहाँ आते हैं। देखिए हाँ, तो देखिए ये वाली बात हमने सारी पढ़ ली थी, जगजीवन राम, है ना, सरदार जो है सरदार बलदेव सिंह जी उनको डिफेंस मंत्रालय दिया गया था, लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया था, है ना, आसफ अली को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन और आर्ट्स दिया गया था, है ना। तो ये लक्ष्मीकांत बुक है जो सबसे बेस्ट मानी जाती है। आप कोशिश करिए कि लक्ष्मीकांत बुक सभी स्टूडेंट को परचेज करिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है और इसका 6th एडिशन भी आ चुका है, तो ये बहुत ही शानदार बाइबल ऑफ द पॉलिटी मानी जाती है, इंडियन पॉलिटी। देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आ रहा है, द मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट वर मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो देखिए जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है 15 अगस्त 1947 से पहले पहले, तो जो भारत का सबसे उच्चतम पद है वो तब भी वायसराय कहलाता था, और वायसराय का मतलब क्या होता है, वह प्रतिनिधि जो क्राउन के अंडर में काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है तो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि पहले वायसराय थे वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, क्योंकि अभी जो है ना क्वीन के आधार पर वो जो है पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे डिसीजन ले रहे हैं, और इसीलिए फिर वो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने के लिए माउंटबेटन प्लान लेकर आए थे। जब लॉर्ड माउंटबेटन हटे तो भारतीय पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी जी, तो ये बात याद रहेगी आपको, है ना। तो देखिए अब क्या आ रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वायसराय कंटिन्यू टू हेड ऑफ द काउंसिल। अभी भी वायसराय जो कि लॉर्ड माउंटबेटन है उस समय वो हेड कर रहे थे, और जवाहरलाल नेहरू को क्या है वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। तो उनके जस्ट नीचे कौन है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अभी भी हेड कौन है, वायसराय, क्योंकि भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है उसके बाद में जो फर्स्ट कैबिनेट बनती है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो कैबिनेट बनती है जवाहरलाल नेहरू उसमें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, एक्सटर्नल अफेयर, तो वो जवाहरलाल नेहरू को विदेश मंत्रालय से बहुत ज़्यादा प्रेम था, और उनका स्टैचर कद है ना विदेशों में अलग अलग देशों में उनकी छवि शख्सियत बहुत अच्छी थी, तो है ना कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंस एंड रिसर्च जो क्षेत्र है ये सभी जो है जवाहरलाल नेहरू के पास पोर्टफोलियो था। पोर्टफोलियो का मतलब वो सभी पद डिपार्टमेंट जो उनके अंडर में आया करते थे। अगला जो पॉइंट आ रहे हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिसे जो है ना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, उन्होंने, मैंने आपसे कमेंट में पूछा था, किसी ने आंसर नहीं बताया, ये इडियम भी इंग्लिश की, कैरेट, कैरेट का मतलब होता है गाजर एंड स्टिक, स्टिक का मतलब होता है छड़ी। तो उन्होंने जो है जितने भी राज्य थे, छोटे बड़े राज्य थे भारत के, उनको बोला या तो प्यार से मान जाइए वरना हम छड़ी का प्रयोग करेंगे। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के माध्यम से उन्होंने जो है ना पूरी तरह से भारत का इंटीग्रेशन, भारत के सभी राज्यों को जोड़ा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होम, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट, राज्यों के मामले सारे के सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे स्वतंत्रता के बाद। और उससे पहले जो मंत्रालय हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंट्रिम मिनिस्ट्रीज हैं वो, इंट्रिम है ना, वो टेम्परेरी है। तो 1947 15 अगस्त के बाद में अलग अलग पोर्टफोलियो अलग अलग लोगों को दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्हें फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया। आप देखेंगे जब भारत जो है संविधान बन जाता है तो प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये बहुत अच्छे शख्सियत थे और एजुकेशन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो पहले भारत के एजुकेशन मिनिस्टर भी यही बने थे फिर। लेकिन इंट्रिम गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, है ना, आप मुझे है ना, इंट्रिम गवर्नमेंट में, देखिए इंट्रिम गवर्नमेंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो है सी राजगोपालाचारी, इंट्रिम गवर्नमेंट। तो आप देखिए हमेशा प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए जो एग्जाम में आते हैं, कि अंतरिम गवर्नमेंट पूछा है या फिर जो है पूरी तरह से मंत्रालय पहली बार बन गया है जब भारत स्वतंत्र हो गया उसका पूछा है, तो प्रश्नों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। डॉक्टर जॉन मथाई, अब जॉन मथाई को रेलवे मंत्रालय दे दिया जाता है, तो है ना पहले टेम्परेरी आसफ अली को रेलवे मंत्रालय दिया गया था, अब जॉन मथाई, तो जॉन मथाई ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला रेलवे बजट पारित किया था। तो इस तरह के प्रश्न जो है ना एग्जाम में आते हैं।
आर के षणमुगम चेट्टी, इन्होंने पहला वित्त बजट पास किया था स्वतंत्रता के बाद। तो वित्त मंत्रालय जो है आर के षणमुगम चेट्टी को, कब, जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद, बी आर अंबेडकर साहब को लॉ मिनिस्टर बनाया गया। जगजीवन राम पहले भी कौन थे, श्रम मंत्रालय में जो है पोर्टफोलियो था, अभी भी लेबर है। अच्छा, सरदार बलदेव सिंह जी ये डिफेंस मिनिस्टर थे इंटरिम में भी और अभी भी। राजकुमारी अमृत कौर, इनको जो है स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। सी एच भाभा को जो है कॉमर्स मंत्रालय दिया गया, है ना। और रफ़ी अहमद किदवई, इन्हें कम्युनिकेशन मतलब संचार मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका आपने बहुत नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं बीजेपी के गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, बीजेपी लॉबी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आइडियोलॉजी पे, आदर्शों पे चलती है। और इन्होंने जो है ना, इन्होंने अपना पहले मंत्री थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था गवर्नमेंट से, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में। तो इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर जो हैं वो कौन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये बीजेपी के आइडियल माने जाते हैं। और वी एन गडगिल, ये गडगिल फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, जवाहरलाल नेहरू और गडगिल फॉर्मूला जो कि इकोनॉमिक्स में आता है। तो वर्क, माइंस एंड पावर, तो ये सभी डिपार्टमेंट जो है वी एन गडगिल के पास थे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं कि जो द मुगल एम्परर, जो मुगल बादशाह था शाह आलम, उसने सबसे पहली बार, चूंकि हम है ना लक्ष्मीकांत बुक का पहला चैप्टर पूरा फिनिश किया है और ये मेरा चौथा लेक्चर चल रहा है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में 3 लेक्चर और देख सकते हैं, उनमें इन डेप्थ सभी रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दीवानी राइट्स क्या है, है ना, इन सभी के ऊपर मैंने बहुत ही विस्तृत चर्चा की है। तो देखिए मुगल एम्परर जो शाह आलम थे, उन्होंने पहली बार क्या हुआ था, जब बक्सर के युद्ध में वो हार गए थे 1764 में, तो 1765 में क्या दीवानी राइट्स दे दिए थे कि आप टैक्सेस भी वसूल सकते हैं और आप जस्टिस सिविल न्याय भी कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको 1765 के दीवानी एक्ट में सबसे शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर में बताइए, तो आप उन लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको एक कंप्लीट जो इनसाइट है वो पॉलिटी के बेस का इनसाइट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट। तो उस समय जो शाह आलम है उनके दौरान विलियम पिट, आपको पता है ना पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में आया था, मुझे ये बात बताइए, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में आया था भारत में और कब लागू हुआ था। और एक और प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट को और किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। एक एक प्रश्न जो बोल रहा हूँ ना वो सभी एग्जाम में आए हुए, है ना। तो इसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है, ली कमीशन कहीं लिखा होगा, अच्छा चलो पढ़ी लेते हैं। एट द टाइम द सिविल सर्विसेज ऑफ द कंपनी वर क्लासिफाइड इनटू कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। कोवेनेंटेड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड है, हाई है, हायर सिविल सर्विसेज, है ना। तो एक तो क्या हुआ कि जो अंग्रेज जो शासन करते थे वो ऑफिसर्स और उनके नीचे लोअर लेवल के सिविल सर्विसेज सर्वेंट के साथ में काम करते थे, ताकि क्या हो सके, भारत में एक प्रशासनिक व्यवस्था दी जा सके। तो जो कोवेनेंटेड जो सिविल सर्विसेज है उसमें तो हायर सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस जिस तरह से होते हैं, है ना, जो उस समय के कलेक्टर्स हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उस समय उनको डीएम कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आजकल उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है, कई जगह डीएम भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास, देखिए डीएम और डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में अंतर क्या है, तो एक बहुत छोटा सा अंतर है नाम पे। देखो शेक्सपियर ने बोला था नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन मेरे अनुसार नाम में बहुत कुछ रखा है। देखो नाम के ऊपर चलते हैं, उन्होंने ये शेक्सपियर का उद्देश्य ये था, शेक्सपियर साहब का उद्देश्य ये था, नाम में कुछ नहीं रखा, इसका मतलब कि आप काम करिए और नाम तो अपने आप हो जाएगा, नाम में क्या रखा है। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का मतलब मजिस्ट्रेशन पावर भी है, इसका मतलब वो फैसला भी ले सकता है ना, किसी तरह के न्यायिक फैसले भी ले सकता था। तो अंग्रेजों ने जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे ना, वो एक्चुअली मजिस्ट्रेट क्यों थे, क्योंकि वो न्यायिक फैसला, है ना, जस्टिस भी कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि कलेक्टर का मतलब कलेक्शन, और कलेक्शन का मतलब क्या, पूरे जिले में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गांव पंचायत, है ना, कस्बे लेवल पे, तो वो सभी का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होता है। तो डीएम और डीसी में आपको एक अंतर क्लियर हो गया होगा।
तो उस समय पर ये दो सर्विसेज हुआ करती थी, लोअर लेवल की जैसे क्लैरिकल वगैरह का जो ग्रेड है वो, और एक जो है डीएम का पोस्ट हुआ करता था, है ना। अब देखो एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, आपने कई बार क्वेश्चन सुना होगा कि भारत में पहली बार बजट कब आया था, 1860 में आया था, और उस समय पर भारत के जो वायस रहे थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1860 में भारत में पहली बार बजट का प्रावधान आया था। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भारत में पहली बार रेलवे बजट का प्रावधान कब रखा गया और किस समिति ने उसे सुझाया था, है ना, और भारत में रेलवे बजट को कब खत्म कर दिया गया, किस वर्ष में, तो ये भी मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना। तो देखिए अगला जो आ रहा है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ली कमीशन जो था, ली कमीशन, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, 1923-24 में सुपीरियर सिविल सर्विसेज, है ना, तो उसकी रिकमेंडेशन की कि भारत में ही मतलब ये कंडक्ट हो एग्जाम और भारत के लोगों को इसमें चुना जाए, तो लीक आयोग ने जो है सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया इसकी जो है रिकमेंडेशन दी थी, तो ये बात आपको एकदम याद रखनी है, ली कमीशन किससे संबंधित है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हिल्टन यंग आयोग, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, हमेशा क्वेश्चन आता है हिल्टन यंग आयोग किससे संबंधित है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्रश्न जरूर बताएंगे, ठीक है। देखिए आगे क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 4 जुलाई 1947, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है पहली बार इंट्रोड्यूस होता है 4 जुलाई 1947 को, आपको याद आ रहा होगा 4 जुलाई को ही अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस भी मनाई जाती है, और 4 जुलाई को ही 1947 में पहली बार उनके ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया मुद्दा कि भाई भारत को स्वतंत्र किया जाए, है ना, एंड रिसीव्ड एन रॉयल असेंट, और फिर फाइनली क्या है पार्लियामेंट में डिस्कस होने के बाद में क्राउन जो है मतलब जो क्वीन है उसने इसको रेटिफाई कर दिया कि भाई हाँ दे देते हैं, तो वो 18 जुलाई 1947 में जो है, और फाइनली जो है भारत को स्वतंत्रता जो है इन्होंने अगस्त 15 1947 को दे दी, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। अब आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज बिटवीन टू डोमिनियन, कौन कौन से टू डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान, डोमिनियंस कहेंगे इनको, डिटरमाइंड बाय अ बाउंड्री और कमीशन हेडेड बाय रेडक्लिफ, तो आपको पता है रेडक्लिफ जो है लाइन है, रेडक्लिफ ने ही पूरा का पूरा भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र उनका बंटवारा किया था, किस आधार पे, कि जो लोग है ना पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं वो पाकिस्तान में मिले, जो लोग भारत में मिलना चाहते हैं वो भारत में मिले, तो पाकिस्तान इंक्लूडेड द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पंजाब, जो वेस्ट पंजाब है वो पाकिस्तान में चला गया, ईस्ट वाला पंजाब भारत में रह गया जो कि आजकल पंजाब के नाम से जाना जाता है, सिंध बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल कौन सा, एक तो हमारा बंगला है ना पश्चिम बंगाल है और एक बांग्लादेश जो है, तो उस समय 1971 तक वो पाकिस्तान का हिस्सा था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस क्या था, उसने ये बोला कि भाई जो आपने सुना होगा सीमांत गांधी, है ना, सीमांत गांधी आपने कई बार नाम सुना होगा, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, तो वो कौन है, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, तो वो जो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का अधिकांश जो भाग है ना वो भारत में मिला था, ठीक है ना, और कुछ हिस्सा वहां पर, और एक डिस्ट्रिक्ट सिलहट, सिलहट जो जिला है वो किसमें मिल गया था, तो वो भी क्या है पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड हुआ, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है ना उसका काफी बड़ा हिस्सा सीमांत गांधी के कारण भारत में भी आया था, तो ये बात याद रखनी है, इन सभी को पाकिस्तान में दे दिया गया है ना, तो ये रेडक्लिफ जो है, जो ये रेडक्लिफ जो है इस रेडक्लिफ आयोग के तहत हुआ था ये सभी, तो आपको ये बेसिक सारी जानकारी पता चल गई कि कब पहली बार बजट आया, कैसे क्या हुआ ना, वो पूरा सीक्वेंस हमको एक एक ये जो पिक्चर है वो हमको पता होनी चाहिए। अब हम लोग अगले सेक्शन पे आ रहे हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान बनता कैसे है, और यहीं पर संविधान सभा की मांग होती है, कैसे शुरुआत होती है, तो देखिए आई डोंट थिंक कि आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि मैं एक एक शब्द का हिंदी रूपांतरण कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हिंदी के, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में एक बड़ा सीक्वेंस में हिंदी का है ना पीडीएफ सेंड किया हुआ है, आप चाहते हैं मैं आपको पर्सनली मैसेज करूँ तो मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा, काइंडली मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर जो मैंने नीचे दिया हुआ है, आप मुझसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हो रहा है, तो देखिए
इट वॉज इन 1934 द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार आई है ना संविधान सभा के बारे में। आप चाहें तो देखो मैं हिंदी में आपको पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, तो देखिए हिंदी में पढ़ देते हैं आपके लिए, यदि आप चाहते तो मैं हिंदी में भी करवा सकता हूँ, बड़ा आसान है मेरे लिए, है ना। देखिए दो मिनट में आपको मैं इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो देखो जो बात वहाँ पर लिखी है ना लगभग वही सब बातें यहाँ भी लिखी हैं। तो देखिए यहाँ पर बात आ रही है कि संविधान सभा की बात आती है, सर्वप्रथम 1934 में एम एन रॉय जो कि स्वराज पार्टी के है ना कम्युनिस्ट पार्टी के वो नेता हैं एम एन रॉय, इन्होंने सबसे पहली बार संविधान सभा का सुझाव दिया था, है ना। और उसके बाद में क्या होता है कैबिनेट मिशन आता है और जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन फाइनली भारत को भारत में बोलता है कि भाई आप संविधान जो है उसका निर्माण प्रक्रिया को शुरू करेंगे, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, देखिए कुछ बेसिक बेसिक बातों पर और चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा का जो चिन्ह है ये बहुत गहरे प्रश्न है, संविधान सभा का चिन्ह क्या था, वो था हाथी था, ये बात एक आपको याद रखनी है। प्रांत की सीमा सीटों का बंटवारा इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक जाति के लोगों के प्रतिनिधित्व चुने गए, तो आपको पता होगा सिख मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और जो डिप्रेस्ड क्लास थे उन सभी का जो है आसानी से बंटवारा किया गया। देखो प्रांतों से प्रतिनिधित्व की संख्या का निर्धारण प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाएगा, तो प्रत्येक 10 लाख पे एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व इन्होंने दिया था, ठीक है। और जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हुआ था, है ना। प्रांतीय विधानसभाएं आप समझ गए कि उस समय जो है 11 प्रांत हुआ करते थे 11, तो क्या आप मुझे 11 के 11 प्रांतों के नाम बता सकते हैं क्या, उनमें से 6 में तो बाइकैमरलिज्म भी था, है ना, द्विशासनात्मक की विधानसभा भी थी और विधान परिषद भी थी। तो ये 11 राज्यों से जो है वहां से जो आज की तारीख में जो प्रेसिडेंट का चुनाव जिस प्रकार होता है ना एकल संक्रमण पद्धति द्वारा, है ना एकल संक्रमण पद्धति द्वारा, तो उसी पद्धति द्वारा जो इनडायरेक्ट चुनाव होता है जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस तरह से, तो पहली बार एम एन रॉय ने इसका सजेशन दिया था। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और एक ये पॉइंट कि हाथी मोहर के रूप में था। तो मैं आपको कुछ इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं ताकि आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्योंकि लक्ष्मीकांत बुक बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो सबसे पहली बार एम एन रॉय ने बोला 1934 में कि वी शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। और उसके बाद में अ पायनियर कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, तो ये जो है ना बहुत ही पायनियर का मतलब बहुत अग्रणीय नेता थे एम एन रॉय। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। और 1938 में तो आपसे प्रश्न आता है कई बार, जवाहरलाल नेहरू ने ऑन द बिहाफ ऑफ INC इंडियन नेशनल काउंसिल जो है इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भारत के अंदर जो है पूर्णतया एक संविधान सभा बननी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए और ये पूरी तरह से वोटिंग के ऊपर आधारित होनी चाहिए। और फिर क्या होता है, देखिए डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, व्हाट इज नोन एज अगस्त प्रस्ताव। तो सबसे पहली क्वेश्चन आपके साथ एग्जाम में क्या आता है कि अगस्त प्रस्ताव वह प्रस्ताव था जहां पर फाइनली अंग्रेज लोग स्वीकार लेते हैं कि हाँ भाई आपका संविधान सभा की मांग को पूरा किया जाएगा, तो अगस्त प्रस्ताव। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं कुछ एडवांस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये सभी प्रस्ताव जो है हिस्ट्री में आते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको पता है कि अगस्त प्रस्ताव के क्या क्या प्रपोजल्स थे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो लिख के बताइए। और इससे क्या होता है जो आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो जो भी बाद में स्टूडेंट्स देखेंगे तो उनके लिए बहुत मदद हो जाएगी, तो प्लीज आप रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। तो 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिस्प, पहली बार क्रिस्प मिशन आता है है ना, स्टैफर्ड क्रिस्प मिशन, और वो है ना प्रपोज करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रेमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन कि बिल्कुल जो है स्वतंत्र संविधान बनेगा, टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वो है ना वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में, तो एक्चुअल में स्टैफर्ड क्रिस्प से जो है लोगों ने क्यों मना कर दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन पर, जैसे क्रिस्प मिशन आया उसके बाद महात्मा गांधी जी ने बोला भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब दिया, नारा किस वर्ष में दिया, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और उन्होंने ये बोला अंग्रेजों ने कि भाई विश्व युद्ध हो जाएगा ना तब तक आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो सैनिक हैं वो भारत अंग्रेजों को प्रदान करता था। तो फिर उन्होंने क्या करा, कई लोगों ने बोला कि ये तो केवल गोली है, मीठी गोली और कुछ नहीं है, है ना, है ना। तो
आप मुझे ये भी बताइए कि किसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था। ठीक है, तो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि लोग मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि फिर से उनको लगा कि ये केवल मीठी गोली हो सकती है ना, ऐसा करने वाले नहीं हो। तो लेकिन क्या हुआ, क्रिस्प प्रपोजल एक्चुअल में भारत में क्यों रिजेक्ट हुआ, इट वॉज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए ना कि ये केवल है ना पोस्ट डेटेड चेक था इस तरह का, तो ये वाली बात नहीं थी, मेन बात ये थी कि मुस्लिम लीग ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग लगातार मांग कर रहा था कि भारत और पाकिस्तान नाम का एक अलग जो है सॉवरेन नेशन हमारे लिए बना के दो, लेकिन वहाँ पर इसके बारे में कोई बात नहीं थी, और इसीलिए जो है मुस्लिम्स ने इसका पूरी तरह से पुरजोर विरोध किया। द क्रिस्प प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं की थी, अलग अलग, क्योंकि पाकिस्तान में जो संविधान और भारत में जो संविधान है उसके लिए अलग अलग असेंबली होनी चाहिए थी, इसके बारे में कहीं पर बात नहीं की। फाइनली एक कैबिनेट मिशन वॉज सेंट इंडिया, और फिर क्या एक कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में, है ना, एंड वाइल इट वॉज रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसने भी जो है ना आइडिया को नहीं माना। फिर फाइनली क्या होता है, लॉर्ड माउंट बैटन आते हैं, और लॉर्ड माउंट बैटन जो है माउंट बैटन प्लान देते हैं, जिसमें दोनों को अलग अलग सेपरेट करने की बात कर देते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, संविधान सभा का सीक्वेंस, किसने सबसे पहली बार रिक्वेस्ट की, नेहरू जी ने कब की, और कांग्रेस ने 1935 में की थी, नेहरू जी ने ओपनली 1938 में की थी। तो ये सभी बातें आपको सीक्वेंस में पता होनी चाहिए। अगस्त प्रस्ताव क्या है, क्रिस्प मिशन क्या है, और कैबिनेट मिशन क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से वो तीन व्यक्ति थे, है ना, उसमें स्टेफर्ड क्रिस्प भी हैं लेकिन वो हेड पोजीशन पे नहीं थे, तो उन तीन व्यक्तियों का नाम बताइए जो कैबिनेट मिशन प्लान, है ना, संविधान मिशन जो प्लान था, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, तो वो किस वर्ष भारत आया, और उसमें तीन जो मेंबर्स थे उनके नाम क्या थे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आ रही है बात, देखिए अब जो बात आ रही है वो है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी किन किन से मिलकर थी, तो वहाँ पर बात कर लेते हैं। तो हम लोग आज कुछ बेसिक बात करेंगे, और कल हम लोग बात करेंगे, कल का मतलब है जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट सेशन है, उसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स रखे थे, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल्स, उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे, उन पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, कल का मतलब नेक्स्ट सेक्शन में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप लोग सभी है ना वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए, जितने भी मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ उसको सीक्वेंस में देखते हो जाइए, तो आपको पूरे पूरे सब्जेक्ट का है ना ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि आप स्वयं भी पढ़ा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यह हमेशा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान, जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, है ना, जिसके हेड कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस, मैंने तीनों नाम पूछे आपको कमेंट बॉक्स में बताने तीनों के नाम, है ना। तो देखिए द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो कितनी थी, 389, और आपको एक बात याद आ रही होगी, हमने क्या बोला था कि जो प्रत्येक एक व्यक्ति चुना गया है वो कितने पर चुना गया था, 10 लाख लोगों पर, तो लगभग भारत की जनसंख्या कितनी हो जाती होगी उस समय, ये मान लो लगभग 39 करोड़ भारत की जनसंख्या थी, तो उसी के आधार पर तो इन्होंने 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति को क्या किया था, है ना, तो इससे हमको पता चल रहा है कि कितनी भारत की उस समय पॉपुलेशन रही होगी, 10 लाख पर एक व्यक्ति, है ना। तो देखिए टोटल मेंबर्स कितने थे, 389, उनमें से 296 लोग कौन थे, जो ब्रिटिश इंडिया का भाग थे। आपको ये बात पता है ना, ब्रिटिश इंडिया का मतलब जहां पर अंग्रेजों का पूर्ण हुकूमत था, और 93 जो सीटें हैं, 93 वो प्रिंसली स्टेट्स, जो कि प्रांतीय राज्य थे। प्रांतीय राज्य कौन से, जहां पर जो है ना अंग्रेज अपना रेवेन्यू टैक्सेस वगैरह लेते थे, लेकिन वहां का शासन प्रशासन व्यवस्था जो है वो वहां के लोकल राजा संभालते थे। तो राजाओं की जो सीट थी, राजाओं वाले क्षेत्र की, इस पूरे भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे 93 थी, है ना, भारतीय प्राय उप महाद्वीप पर, और 296 सीट्स किन की थी, है ना। तो 296 में भी आपको ये बात पता होगी कि 292,
प्लस 4 ये 296 296 बनता है। तो ये चार वो क्षेत्र हैं जो कमिश्नरेट क्षेत्र कहलाते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे भारत के इन चारों कमिश्नरेट क्षेत्र का नाम बताइए, एग्जाम में कई बार आता है। तो टोटल कितने हो गए, 296 हो गए। ये बात समझ में आ गई है ना। 93 सीट्स प्रिंसली है ना। तो देखिए यहाँ पर ये बात लिखी हुई भी है, आउट ऑफ 296 अलॉटेड ऑफ द ब्रिटिश इंडिया 292 वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंस। मैंने क्या बोला था, 11 राज्य जो बड़े बड़े हैं, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे है ना, बंगाल, तो ये सभी जो है 11 राज्य, उनमें से चार जो है चीफ कमिश्नरेट रीजन थे है ना, कमिश्नरेट थे। आपको मुझे उन चारों जगहों का नाम बताना है ना, क्या क्या थी। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, प्रत्येक जो प्रांत है जो अंग्रेजों के कंट्रोल में, और सभी जो है जो प्रिंसली का मतलब जो राजाओं के द्वारा चलाए जा रहे थे, वर टू बी अलॉटेड सीट इन प्रपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या के आधार पर बांटा गया, और एक सीट जो है एवरी मिलियन, एवरी मिलियन का मतलब समझ रहे हैं, एवरी वन मिलियन, ये कितना होता है, 10 लाख, याद रखना, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 1 बिलियन कितने के बराबर होता है, जैसे 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, वैसे 1 बिलियन कितने के बराबर है और 1 ट्रिलियन कितने के बराबर होता है। भारत की जो वर्तमान इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चल रही है वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स चल रही है। तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में देखो, ईच प्रोविंस प्रिंसली स्टेट वगैरह ये हमने पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट, सीट अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर डिवाइडेड अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, तीन जो है मेनली जो कम्युनिटीज है समूह में बांटा गया। एक तो मुस्लिम थे, एक सिख थे और एक जनरल थे, जनरल में डिप्रेस्ड क्लास भी इंक्लूडेड है। तो उनके रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है, उस सीट को नामित किया गया। जहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा हैं वहाँ पर केवल मुस्लिम ही खड़े हो सकते हैं है ना, जिस प्रकार आज की तारीख में जो है एससी एसटी और है ना कुछ ओबीसी की सीट फिक्स हैं, कहीं पर महिलाओं की सीट फिक्स हैं है ना। द रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि ईच ऑफ द कम्युनिटी वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो प्रोविंशियल का मतलब क्या है, जो राज्य के प्रांतीय जो असेंबलियाँ थी वहाँ से उन लोगों को चुना जाएगा। और देखिए ये बात मैंने आपको बताई थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यह वही प्रोसेस है जिससे राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो आपको ये बात पता है ना, इंग्लिश में यदि मैं बोलूँ तो राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, PRSTV, इस प्रोसेस से। ये प्रोसेस याद रखना, PR को मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ आपको भी, PR प्रपोजिशनल है ना, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत के आधार पर। आनुपातिक, देखो यहाँ पर हिंदी में बता देता हूँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत के आधार पर, ये PRSTV प्रोसेस ही राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग में आता है। और जो है हमारे जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं है ना, केंद्र में राज्यसभा, और वाइस प्रेसिडेंट का भी जो है ना PRSTV है ना, ये बात हमेशा याद रखनी आपको, PRSTV इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आती है, प्रपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत, इस नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। देखिए, जो जो राजा लोग हैं जहां जाके, छोटे छोटे जो राजाओं के जो क्षेत्र थे, वो राजा खुद है ना अपने व्यक्तियों को नॉमिनेट कर देते कि भाई हमारे राज्य से तो ये व्यक्ति जाएगा, इस तरह से था है ना। इट दस का मतलब इसलिए क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी पार्ट ऑफ इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। तो देखिए, जो इसका मतलब, जो संविधान सभा है वो कुछ हद तक आंशिक रूप से तो चुनी गई थी, जो कि ब्रिटेन के जो है ना 296 जो लोग हैं वो तो चुने गए थे, और प्रिंसली स्टेट जो थे उनमें जो 93 व्यक्ति हैं उनको क्या करा गया था, एक तरह से नामित किया गया था, किनके द्वारा, वहाँ के राजाओं के द्वारा। मोर ओवर द मेंबर वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स,
और कई सारे ना इनडायरेक्टली इलेक्ट भी हुए थे प्रोविंशियल असेंबली में। प्रोविंशियल असेंबली का मतलब जो 11 प्रांतीय असेंबलियां हैं, सभाएं हैं, उनके द्वारा, है ना, बाय लिमिटेड फ्रेंचाइज। देखो यहां पर बार बार दो टर्म आती है, एक तो होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और लिमिटेड फ्रेंचाइज में क्या होता है, कुछ चुनिंदा लोग ही, जैसे आपको पता होगा 1935 के एक्ट के तहत केवल 10% लोगों को जो है मत देने का अधिकार दिया गया था। उससे पहले तो केवल जो टैक्स देते थे या जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी या जिनके पास जो है एजुकेशन अच्छा था, तो 1919 में जो है कुछ ही लोगों को था, लेकिन 1935 में 10% लोगों को। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लियर की है ना। तो देखिए आगे चलते हैं, इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 के केस में तो इलेक्शन हुआ, जो कि किसके अंडर में थे, पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन थी। वर हेल्ड जुलाई अगस्त 1946, तो जुलाई अगस्त 1946 में इनका चुनाव होता है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 208 सीट, तो ये 296 में से 208 कौन जीत जाते हैं? INC नेशनल कांग्रेस, और 73 सीट कौन जीत जाती है? मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि भारत में 73 जब मुस्लिम लीग की पोस्ट आई है, इनकी सीटें आई हैं, तो इनका कोई अधिकार या कंट्रोल नहीं रह पाएगा। तो मुस्लिम लीग ने क्या करा कि भाई हम तो अब अलग, हमारे को देश दो, तो यहाँ से भी इनके अंदर एक और बड़ी फूट पड़ना शुरू हो गया। और जो 15 सीटें हैं वो जो आपने देखा होगा ना कि जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होते हैं, स्वतंत्र जो लड़ते हैं, है ना, कई बार ऐसे जीत जाते हैं, है ना, निर्दलीय पार्टी से जिसका कोई दल नहीं होता, तो वो 15 सीटें। तो आपको ये बात समझ में आ गई, 208 कांग्रेस जीती, 296 में से 73 जो है वो मुस्लिम लीग, और 15 कौन सीटें जीती है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते। जबकि जो 93 सीटें थी जो कि राजाओं के द्वारा नामित थी, अभी राजाएं उनके ऊपर ना निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे, वो उहापोह की स्थिति में थे, निर्णय ले नहीं ले या हमको भारत में शामिल होना है या नहीं होना है, तो 93 सीटों पर तो कोई डिसीजन हुआ ही नहीं था। तो इसलिए एक बात याद रखना कि जो संख्या है वो तो 393 संख्या जो है वो टोटल कितनी बताई गई थी, है ना, 389 संख्या टोटल कितनी है, 389 लोगों को होना था नियुक्त, लेकिन होते कितने हैं, केवल और केवल जो है है ना, केवल और केवल जो है जो जो प्रांतीय थे, प्रांत का मतलब है जो कि अंग्रेजों का जिस पर कंट्रोल था वहीं से केवल उनको चुना जाता है, और 93 लोग तो बिल्कुल आते ही नहीं है अभी संविधान सभा के अंदर भाग लेने के लिए। देखिए आगे, तो आपको ये एक आधारभूत बातें समझ में आ रही होंगी किस तरह से उस समय काम हुआ था सारा। Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people, लोगों के द्वारा सीधे रूप से चुनी नहीं गई थी कहीं पर, तो जो है, और बेसिक अडल्ट फ्रेंचाइज तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो तो क्या है, लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज था, बहुत कम लोगों ने वोट दिए थे और वो भी कुछ ही जगह था। असेंबली कॉम्प्राइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इसमें जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, एससी, एसटी, इंक्लूडिंग वुमेन, महिलाएं वगैरह भी, ये लोग भी सब इसमें शामिल थे, है ना। तो दिस सेक्शन द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, और इसने क्या है, भारत के सभी महान महान जो भी लोग थे जो कि राजनीति में थे, उन सभी लोगों के, वो सभी लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में और जो है संविधान को बनाने के लिए बड़े बड़े जो एजुकेशनिस्ट हैं वो भी जो है आगे आए। तो लेकिन केवल महात्मा गांधी एक वो शख्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, और उन्होंने किया भी नहीं। तो महात्मा गांधी वॉज द ओनली एक्सेप्शन, वो केवल एक अपवाद थे। इस बीच में मैं आपसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, कि भारत ने किस दिन, किस महीने और किस वर्ष में कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल को ज्वाइन किया। राष्ट्रमंडल का हिस्सा भारत आज भी है ना, तो राष्ट्रमंडल को भारत ने कब ज्वाइन किया, ये मुझे आप क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए इसका कमेंट बॉक्स में। भारत ने पहली बार नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे को कब जो है ना, नेशनल फ्लैग को भारत ने कब अडॉप्ट किया। भारत ने किस दिन, है ना, और किस वर्ष में नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, है ना, राष्ट्रगान को भारत ने किस दिन अडॉप्ट किया, और राष्ट्रीय गीत को भारत ने कब एक्सेप्ट किया, और
अंतिम जो है संविधान सभा की मीटिंग कब हुई थी और जो हमारे राष्ट्रपति बने पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो किस दिनांक को राष्ट्रपति बने, तो ये सारी बातें जो हैं आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, कॉमनवेल्थ में भारतीय नेशनल फ्लैग को कब चुना गया है ना, और राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान किस दिनांक को चुने गए भारत में है ना, उन्हें कब अडॉप्ट किया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस वर्ष में जो है किस दिन को उन्हें प्रेसिडेंट चुना गया, तो ये सभी बात मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। मुझे कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि जो संविधान का जो निर्माण हुआ है वो कितने दिन कितने साल और कितने महीने में हुआ है, तो ये बात जरूर मुझे आपको एक जरूर बतानी है ना। और भारत ने जो संविधान बनाया है उस संविधान को बनाने के लिए भारत लगभग कितने देशों के संविधान में से हमने थोड़ी थोड़ी बातें ली हैं और हमने स्टडी की थी, वो कितने देश हैं जिनके बारे में भारत ने स्टडी की थी और तब जाके भारत का संविधान जो है एक सारगर्भित रूप में आया, तो मुझे उन देशों की संख्या बताइए कितने देश थे टोटल। और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इस पूरे सेक्शन में कुल कितने दिन लगे, मतलब देखिए एक तो होता है टेन्योर के इतने महीने इतने दिन में बना, लेकिन ये मीटिंग कितने दिनों तक हुई थी ये बात बताइए, और हमारे संविधान को बनाने के लिए कुल कितना खर्चा आया कॉस्ट, ये सभी प्रश्नों के मुझे आप आंसर बताइए, आपके लिए बड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा, तो ये क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं है ना, तो देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए हैं ये तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी हम लोग कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। तो वर्किंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग कब होती है 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, जुलाई अगस्त में जो है वो सभी आपने बताया था कि है ना जो प्रतिनिधि है वो चुने जा रहे थे ठीक है। इसके बाद में आता है मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया, बिल्कुल जो है सिरे से खारिज कर दिया, द मीटिंग इंसिस्ट ऑन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कि है ना वो बार बार जोर दे रहे थे कि पाकिस्तान को सेपरेट करो आप, उसके अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए, आप तो सेपरेट करिए और हम अपना अलग बनाएंगे है ना। द मीटिंग वॉज दस अटेंडेड 211 मेंबर्स, केवल 211, पहली बार जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी तो केवल 211 मेंबर्स थे, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी ऐसा क्यों है, क्योंकि जो 93 सदस्य हैं जो कि अलग अलग राज्यों से आने थे जो कि नामित किए, तो वो नामित अभी हुए भी थे लेकिन उन्हें भेजा नहीं गया, और जो 73 जो मेंबर हैं मुस्लिम लीग के वो शामिल नहीं हुए, तो ये बात आपको एक पता होनी चाहिए है ना। और कांग्रेस के तो केवल और केवल कितने मेंबर थे, 208 सीट जीती थी और 15 जो है वो तो उनमें से मान लीजिए 3 और आ गए होंगे, तो कुल मिला के 211 ही पहली बार बैठे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, देखो आज भी है कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर है ना स्पीकर, जब भी कोई नई सरकार आती है तो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, तो वो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है, ये हमेशा से कन्वेंशन मान्यता है, तो उसी प्रकार उस समय सबसे जो बुजुर्ग थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और इसीलिए उनको है ना ओल्डर मेंबर होने की वजह से इलेक्टेड एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, तो पहली बार जो है टेम्परेरी फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। और आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत ने किसकी पद्धति अपनाई थी, तो फ्रांस की पद्धति को अपनाते हुए जो है ना जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली बनाया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था, तो ये फ्रांस जरूर आप एक याद रखेंगे है ना। और इसके बाद में देखिए लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, उन्हें बनाया जाता है, और बोथ एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामचारी वॉज इलेक्टेड एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, इन अदर वर्ड्स वी कैन से टू प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि भारत का जब संविधान सभा का निर्माण होना शुरू हो रहा है, संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो वो 9 दिसंबर 1946 को बननी शुरू हो रही है, और इसके टेम्परेरी जो हेड ऑफ प्रेसिडेंट बनाए वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए, लेकिन जब चुनाव हुआ तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेसिडेंट भारत के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उस समय 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए, एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामचारी, तो ये 2 पॉइंट आपको और याद रखने। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपको मैंने जो आपको ये जो पीडीएफ दिया हुआ है ना मेरे टेलीग्राम चैनल में, इस पूरे टेलीग्राम चैनल में जो है ना ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल जाएगा, ये रहा पूरा इन्फॉर्मेशन है, देखिए जो जो हमने पढ़ा
है ना, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी है। ये 264 नहीं है, ये 296 लिखा है, गलती से टाइप हो गया होगा इनसे। और जो है कितने कांग्रेस जीते थे, कौन कौन से कितने जीते थे, ये सारी बातें दी हुई है। 296 जो सदस्य जो आए थे, है ना, और 93 तो जो है राजा महाराजों की तरफ से। तो ये बैठक की शुरुआत होती है, क्या दिन था, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और आज भी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की जो बैठक है वो कहाँ हुई थी, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। कुछ छोटी मोटी बातें और याद पढ़ लेते हैं। ये हमने पढ़ी लिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, एच सी मुखर्जी उपाध्यक्ष रहे तथा बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक नियुक्त किए गए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको मैंने ऑलमोस्ट बता दी हैं, है ना। और उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो हम लोग अगले प्रोसेस में पढ़ेंगे, और अलग अलग समिति का अध्यक्षता किसने की है, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आप कीप वॉचिंग, है ना, आप जुड़े रहें, लगातार जो है आपके दोस्तों में साथियों में शेयर करें। आपको लगता है कि क्लासेस में कुछ कमी है तो मुझे काइंडली सजेशन करें पर्सनली मैसेज करके, लेकिन ज़रूर आप अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, इस चैनल के बारे में बताएं, है ना, इस लिंक को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।